कितना टाइम लगा आपको फोल्डर का काम कंप्लीट करने में? एक दिन। आपको? एक दिन। एक दिन, बड़ा जल्दी कंप्लीट हो गया आप लोगों को। इसको बाउल में डाला आपने? ठीक है, अभी देखिए यहाँ आप देखेंगे ये पूरा बांध दिया ना, और यहाँ आपने हाथ से पंचिंग की है। अभी आपने कितना फोल्डर पंचिंग किया? तीन या चार। ठीक है, तो तीन चार में सब में इस तरह की गड़बड़ी आई है, सिर्फ एक हुई है। हाँ, ये लगाते टाइम हो गया था ना, उसी टाइम हो गया। अच्छा, चलिए ठीक है। तो अभी क्या करना है कि अब देखिए नीचे से ये भाग गया है ना, ठीक है, और यहाँ देखिए ये नीचे से भाग गया है और ऊपर से कुछ भाग गया है, और ये मतलब ये दो प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है ना, सही से बैठा नहीं। अभी हम आपको बताएंगे कि ये गलती कहाँ हुई है, ठीक है। तो पहले आप उसी लगाइए और उसी लगा कर हमको दिखाइए, हम देखते हैं ये गलती किस जगह आपकी हुई है, हम उसको ठीक कराते हैं। ठीक, उसी लगा ये जो है आपका पार्टनर है, ये ग्लू रिमूवर है। सबसे पहले ग्लू रिमूवर से पूरा ग्लू साफ करेंगे आपसे। जब ग्लू साफ हो जाए तो फिर आपको फाल्कोन का इस्तेमाल करके उसको हल्का साफ क्लीन करेंगे ना, लेकिन ये काम बात का है। सबसे पहले इसको साफ करके आप उसी ये लगा लेंगे, फिर इस पर आएगा। तो अभी देखिए यहाँ ग्लू है ना, यहाँ ग्लू दिख रहा है, यहाँ ग्लू दिख रहा है। तो पहले ग्लू रिमूवर से ग्लू साफ करिए, फिर उसके बाद फाल्कोन लगा करके उसको क्लीन मारिएगा, जब उसी आपके पास रेडी होगा, ठीक है ना। और ये जो है पेपर, इसका नाम है ओसी पेपर। ओके, थोड़ी ऐसे नहीं, देखिए अभी तो आपने चार पांच लगाया अपने हिसाब से ना, क्या है कि अगर एक ही बार में आपको समझा दे तो सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाएगी, है ना। जैसे तैसे आपने किया, लेकिन अभी कैसे करेंगे जैसे मैं बताऊंगा। आपको पहले इसे उठाना है और इसको पकड़ लेना है इसे, ठीक है। अब पकड़ने के बाद इसको आपको यहाँ रख लिया, थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकला है, अब फिर थोड़ा यहाँ से निकाल लेगा, हो गया, सीधा हो गया ना। अब उसके बाद आप ग्लास लगा के इसको सीधे ले जाएंगे, ये आप रोलर से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कराने का मकसद ये है कि कभी रोलर नहीं रहा तो आप कैसे करेंगे काम। तो ये देखिए हमने निकाला इधर की, उसकी थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसे छोड़ दीजिए और अब इधर से खोलिए और वैसे ही प्रोसेस करिए जैसे हमने बताया। ये देखिए यहाँ से पहले एक कोना, बिल्कुल एक कोना ही लगाइए आप, है ना, सिर्फ एक कोना लगाइए, ऐसे लगाइए, एक कोना लगाइए, दूसरा कोना बाद में सेट करिएगा। यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ उसे झुकाइए, बस बस बस, पूरा नहीं है ना। चलिए अभी आप उल्टा ग्लास उल्टा पर उल्टा पड़िए ग्लास को, ये ठीक है, रुकिए। अभी आप ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे जाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ से आपने ग्लास रख दिया, अब ग्लास रख के आप ऐसे जाएंगे और उसके बाद जब बराबर आ जाए तब पूरा खींच के ले जाएंगे, ठीक, समझ में आ गई बात? नहीं, जोर दीजिए ना, ऐसे ऐसे रख दीजिए, ऐसे रगड़िए आप, रख लीजिए। अब हमको दिखाइएगा जरा, रुक जाइए, इसको पूरा प्लास्टिक निकालिए, नहीं छोड़ दीजिए, फिर हमको दिखाइए। अब देखिए आपकी जो ओसी लगी है वो पूरा परफेक्ट लगा है ना, लेकिन यहाँ अभी आपका चला नहीं है, क्या नहीं चला है ये, तो आपको पूरा आगे तक खींच के ले जाना। चलिए लगाइए, जो यहाँ आप देख रहे हैं दाग, ये दाग डिस्प्ले की दाग है ना, आपके ओसी की दाग नहीं है। तो आप देखिए कि बिल्कुल फ्रेश लगा ना, इसी तरह से आप लगाएंगे। बाकी कटिंग कैसे करना आपको पता है, करिए, टेबल करना है, आप तो निकाल दीजिए, उसका क्या काम। रुकिए, अब ये कटिंग आप रबड़ पर रख के नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हटाइए। अब कटिंग करिए, हाफ कटिंग करेंगे ना, ग्लास पर उंगली मत लगाइए, ग्लास आपने क्लीन किया है ना, फिंगर की दाग पड़ जाएगी। आपने ग्लास को बचा के चलना, आपने ग्लास को साफ किया, चलिए रखिए लगाइए, कैसे लगाइए। हाँ, आपने उल्टा कर दिया, पीछे दाग लग गया कचरा। ध्यान दीजिए कि आपने साफ किया ना, अभी क्या बताया था कि यहाँ पर आप देख लीजिए और देख करके इसको ला करके एडजस्ट करिए, एक कोना आप कोना यहाँ से एडजस्ट करिए, थोड़ा सा उधर भागा हुआ है, खा लीजिए और फिर इसको पकड़ के धीरे धीरे यहाँ लाइए और यहाँ धीरे धीरे सेंटर में लगाइए और फिर छोड़िए, ठीक है, बस समझ आई।
क्लियर हो। अभी कंप्लेन आपकी ये है कि डिस्प्ले भाग जा रही है ना, ठीक है, तो डिस्प्ले भाग जा रही है, बाकी पंचिंग आपकी सॉलिड है, पंचिंग में कंप्लेन नहीं है, है ना। अभी इसे बबल में डालिए, हम देखें कि क्या कोई कंप्लेन है या सॉलिड है आपकी पंचिंग, है ना। तो लीजिए इसको बबल में डाल के पहले कंप्लीट करिए। पंचिंग आपकी सॉलिड है बिल्कुल, कहीं कुछ भी नहीं है, बस यही जो है ना ऊपर का आपका बैलेंस मिला नहीं है, भाग गया ना। तो हम जो है अभी इसका आपका ठीक करा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले दिन में आप लोगों का जो है, आपका तो पहले से कंप्लीट था लेकिन फोल्डर का काम जो है आपका कंप्लीट नहीं था, वो आज कंप्लीट हो गया आपका फोल्डर का काम, ठीक है। तो कितना टाइम लगा आपको फोल्डर का काम कंप्लीट करने में? आपको एक दिन। बड़ा जल्दी कंप्लीट हो गया आप लोगों का। आपने इतना दे दिया था प्रैक्टिस के लिए, तो एक दिन लगने ही था, एक हफ्ते का आपने एक ही दिन दे दिया। देखिए होता क्या है कि फोल्डर का काम कम से कम कुछ नहीं तो मैं समझता हूँ कि अगर हफ्ते 10 दिन में भी लोग सीख जाए तो जल्दी है, लेकिन इतना जल्दी लोग 100% सीख नहीं पाते। लेकिन प्रैक्टिस के लिए इतना ज़्यादा फोल्डर लोगों को दिया जाता है कटिंग के लिए, और इतनी बार दिया जाता है कि मतलब उसमें पूरी पॉकेट ओसी दी जाती है, भाई जितना भी समय लगे, जितना भी ओसी लगे वो लगा करके अपना जो है काम करे, काम नहीं रुकना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो जो है सीख सके। तो उसमें जो भी हमने आपको सामान दिया, ओसी दिया या फोल्डर जो भी नुकसान हुआ, उसका क्या कोई चार्ज किया गया हमने आप लोगों से? अलग से कोई चार्ज तो नहीं किया, ठीक है। एक दिन में आपका कैसे फोल्डर निकालना है, काटना है और पेस्टिंग करना है, वो सारी चीज़ें आपको जो है हो गया ना। देखिए आप लोगों को हमने जो पंचिंग का तरीका बताया है, हैंड पंचिंग, इसमें आप लोगों को पंचिंग मशीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी अपने शॉप पर जाओगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बबल रिमूवर लेकर भी आपका काम चल जाएगा, है ना। तो काफ़ी कम पैसे में भी आपका जो है शॉप चालू हो जाएगा, है ना। जिस तरह से आप लोग लगन से काम करते हैं, अगर इसी तरह से आप लोग सीखते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर अंदर मामला सारे जो है क्लियर हो जाएगा। आपका तो खैर क्लियर है, इनका भी क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो फोल्डर काम आपका डन हो गया, है ना। अब आपको एक CPU रिवॉल्व करके दिखाना है, ऑन सेट हम आपको देंगे, ठीक है, कोई भी एक ऑन सेट आपको दे देंगे, उसका CPU निकालना है और लगाना है, लगा के उसे चालू करना है, ताकि हमें पता चले कि जो आपने पीछे हैंड स्किल काम सीखा है वो अभी आपका जो हैबिट में है या नहीं, ठीक है।
और अगर कुछ कमी होगी तो फिर से उसको प्रैक्टिस करानी चाहिए। ठीक, डेली की अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा, मतलब क्या सीख रहे हैं, कितना समय लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितनी चीज़ें कितने दिन में ये लोग सीख गए, उसकी पूरी अपडेट आपको डेली मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहे और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और डेली की अपडेट मिलता रहे। अभी चूँकि रमजान शरीफ का महीना चल रहा है तो एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है, तो और सारे लड़के बिजी हैं थोड़ा सा, ये तो कोशिश हमारी होगी कि एडिटिंग जो है थोड़ा सा जल्दी हो सके तो हम डेली अपडेट देंगे। क्योंकि अभी 16 तारीख की जो वीडियो है वही 17-18 को मिलेगी, तो इस तरह से थोड़ा सा लेट होगा, बाकी अपडेट आपको डेली की मिलती रहेगी।